हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा अलग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको हावड़ा बेंगलुरु एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में बताऊंगी, मेरा जर्नी शेयर करूंगी और रिव्यू भी दूंगी। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग जो है हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं। सुबह से मम्मी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आते ही मम्मी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। जैसे ही मम्मी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, हमारा जो ट्रेन था वो एकदम ऑन टाइम प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो ये है मेरी मासी और मेरा कज़न जो कि हमें सी ऑफ करने आए थे। ट्रेन के निकलने का टाइम हो चुका था इसलिए हम लोग मासी को बाय बोल के आगे निकल गए। घड़ी में 10:50 होते ही हमारी ट्रेन चल पड़ी। अब मैं आपको ट्रेन के अंदर का व्यू दिखाऊंगी। मेरी मम्मी ऑलरेडी बैठ चुकी है किसी और के सीट पे। तो ट्रेन के अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा है। ट्रेन बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पर्दे वगैरह सब कुछ सही से लगा हुआ था। जितने भी सीट्स थे उसमें सारे पिलोस सही से लगे हुए थे। ट्रेन के जो कोचेस थे वो देख के ही पता लग रहा था कि बिल्कुल नए हैं। दोनों साइड पे दो दो करके चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ था और एक साथ में एक लाइट भी था, कुछ स्पॉट लाइट टाइप का था जो आप रात को यूज़ कर सकते थे। ये है IRCTC का स्टाफ जो कि हर एक पैसेंजर को बेडशीट, टॉवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये ट्रेन फुल एसी है। तो ये है हमारा हावड़ा बेंगलुरु एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टॉयलेट जो कि दूसरी ट्रेन के मुकाबले बहुत ही नीट एंड क्लीन था। हैंड वॉश और बाथरूम फ्रेशनर भी प्रोवाइड किया हुआ था। टॉयलेट से आते ही मैंने देखा मम्मी कुछ अनारदाना खरीद रही है। ट्रेन के सफ़र में ऐसे चटपटे चीज़ों का बहुत सख्त ज़रूरत पड़ता है। ये है हमारे TC साहब जो कि जर्नी स्टार्ट होते ही सबका टिकट चेक करने के लिए आ गए थे। देखते ही देखते हमारी ट्रेन 12:25 पे खड़गपुर स्टेशन पहुंच गई। और ठीक 5 मिनट बाद यानी 12:30 पे खड़गपुर स्टेशन छोड़ के निकल गई। लंच टाइम हो चुका था और हम लोग अपना लंच घर से ही कैरी कर रहे थे। आप चाहे तो पैंट्री कार्ट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ
कुछ दूर जाते ही पहाड़ों के और न जाने कितने ही रिवर क्रॉसिंग देखने को मिल रहे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तीन बज के 45 मिनट पे हमारी ट्रेन कटक स्टेशन पहुंच गई। चाय बढ़िया, स्पेशल चाय, चाय बढ़िया। मेरे इस अजीब से लुक का कारण है ट्रेन का चिल्ड एसी। खिड़की से बाहर देखा तो इनको देख के बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत मज़े ले रहे थे, सेल्फी क्लिक कर रहे थे। ये पीछे से आए हमारे को पैसेंजर, जो कि मेरे हिसाब से दुनिया के फनीएस्ट पर्सन हैं और मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन। पूरी जर्नी पे इनका राग और अलाप सुनते सुनते जर्नी कब ख़त्म हो गया समझ में नहीं आया। देखते ही देखते हम कटक स्टेशन छोड़ के निकल पड़े। चार बज के 20 मिनट पे हम लोग भुवनेश्वर स्टेशन पहुंच गए थे। अब तक तो ट्रेन का टाइमिंग एकदम सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद से ट्रेन धीरे धीरे लेट होने लगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है और हम लोग फ्रेश होके चिल करने लगे हैं और बाहर के नज़ारों का मज़ा लेने लगे हैं। हमारे ट्रेन को 12 बज के 3 मिनट पे काठपड़ी जंक्शन पहुंचना था, लेकिन रात से ही ट्रेन बहुत ही लेट कर रहा था। हमने ट्रेन से लंच ऑर्डर नहीं किया था। हमें लगा था कि काठपड़ी 12 बजे पहुंचते ही हम लोग वहीं जाके लंच कर लेंगे, लेकिन कहां पता था कि हमारा ट्रेन इतना लेट हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल रेडी होके बैठे थे उतरने के लिए। रेनी गुंता स्टेशन से ट्रेन को डायरेक्ट काठपड़ी रुकना था। रेनी गुंता स्टेशन से काठपड़ी का डिस्टेंस 133 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस तय करने में हम लोगों को 1.5 से 2 घंटा लग गया और हम लोग काठपड़ी जंक्शन 3:05 पे जाके पहुँचे। वेट करते करते मम्मी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं और वीडियो शूट नहीं कर पाई। ओवरऑल जर्नी हमारा बहुत अच्छा रहा। ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। टाइम टू टाइम बाथरूम भी क्लीन होते जा रहे थे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम हो गया, जो कि ये 3 घंटे का लेट। अदरवाइज़ मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो पे। बाय बाय।